कुछ ऐसी फोटो ऐसा बनाना हर कोई चाहता है, लेकिन किसी के पास 2 मिनट टाइम नहीं है कि भाई अगर आप 2 मिनट लगाकर सीखोगे ना तो आप भी कुछ ऐसा फोटो को एकदम ऐसा बना पाओगे। अगर आप खुद को सोशल मीडिया पे ग्रो करना चाहते हो ना तो पहले आपको एडिटिंग सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप एडिटिंग सीख गए तो आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप ऐसी फोटो को एडिटिंग करके आप ऐसा कैसे बना सकते हो, और बहुत ही इजी स्टेप में बताऊंगा जिससे एक बच्चा भी कर पाएगा। बस आपके पास थोड़ा टाइम होना चाहिए ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आपको एडिटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आइए देखते हैं बैठ। तो फोटो देख सकते हो एकदम अंधेरा सा लग रहा है, और हाँ टेंशन मत करो, जिसमें एडिटिंग कर रहा हूँ ना ये आपको मिलेगा, वो बाद में बताऊंगा, पहले आप एडिटिंग देखो। देखो एडिटिंग करना बहुत ही इजी है। मैं फोटोज को एडिटिंग करने से पहले मैं पहले ये डिसाइड कर लेता हूँ कि इस फोटो को मैं किस तरह की एडिटिंग करूंगा। देखो इसमें ड्रेस ब्लैक है एंड लोकेशन कुछ ऐसा है, तो लोकेशन और ड्रेस के हिसाब से मैं इसमें ब्लैक एंड व्हाइट कुछ फ्लेवर डालूंगा। तो एडिटिंग करने से पहले सिंपली आपको क्या करना है, पहले आपको लाइट पर जाना है। तो छेड़ने से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि हमारे फोटो में लाइट कम है या ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो हमेशा आप लाइट पर जाकर हाईलाइट को कम करना। अगर फोटो में लाइट कम है तो वो बढ़ाने के लिए हमेशा एक्सपोजर पर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा प्लस करूंगा, इतना ही प्लस करूंगा जितने हमें जरूरत है। देखो इतना कर दिया, और हम लाइट को और भी तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। वो कैसे, हम शेडो से कर सकते हैं, ब्लैक से कर सकते हैं। देखो फोटो में शेडो बहुत ज्यादा है, अब जब भी रॉ फोटोज क्लिक करोगे उस फोटो में हमेशा आपको शेडो ज्यादा दिखने को मिलेगा। तो क्या करना है, पहले आपको शेडो को इंक्रीज करना है। ओके जब मैं शेडो को इंक्रीज करूंगा, देखो शेडो को मैं जब इंक्रीज करूंगा तो फोटो में कुछ ऐसे ब्राइट हो जाएगा। देखो मैंने कितना इंक्रीज किया अभी आप देख सकते हो। ओके शेडो को मैंने 52 इंक्रीज कर दिया। अगर शेडो आप ज्यादा इंक्रीज करते हो तो क्या होता है, शेडो एकदम रिमूव हो जाता है। तो क्या करना है कि हमें शेडो भी जरूरत है और हमारे फोटो में जो ब्राइटनेस है वो भी रखना जरूरी है। तो दोनों चीज को मेंटेन करने के लिए आपको कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करना है। जब आप कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, देखो जो हमारा शेडो जो हमने उठा लिया, मतलब जो शेडो हमने रिमूव किया वो शेडो फिर से आ जाएगा। कॉन्ट्रास्ट क्या करता है, जिस जगह शेडो है वो शेडो को और ज्यादा डार्क करता है, और जिस जगह लाइट है उस जगह और ज्यादा लाइट करता है। कॉन्ट्रास्ट की यही काम है, ठीक है। मैं कॉन्ट्रास्ट को प्लस करूंगा, अब देखो देखो कंट्रास्ट को प्लस करने के बाद वो सब चीज पहले जैसा हो गया है, और हमारा फोटो लाइट भी हो चुका है पहले से, जो अंधेरा था ना वो चला गया है, ठीक है। अभी मैं व्हाइट को थोड़ा ऐसे इंक्रीज करूंगा, ओके, एंड ब्लैक को थोड़ा माइनस करूंगा, ओके, इतना माइनस करूंगा, और हाईलाइट को मैं थोड़ा माइनस करूंगा कुछ इतना, ओके ओके लाइट एडजस्ट हो गया। जब भी आपका लाइट एडजस्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको फेस स्किन पर ध्यान देना है, ओके। स्किन पे आपको जूम कर लेना है, जूम करने के बाद जितने भी दाग है वो सब आपको एक एक करके रिमूव कर लेना है, ओके। मैं अभी क्या करूंगा, बस हीलिंग पर जाऊंगा, हीलिंग पर जाकर ब्रश की जो साइज है ये मैं इतना रखूंगा, इतना आप देख सकते हो। इतना रखने के बाद जो भी दाग है ये सब मैं एक एक करके जल्दी से रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। ओके जितने भी दाग है ये सब मैंने रिमूव कर लिया, जो आप देख सकते हो। इतना प्रोसेस करने के बाद ही नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होगा कि मास्किंग पर क्लिक करके, प्लस पर क्लिक करके बस आपको ब्रश पर जाना है, ओके डन। ब्रश पर जाना है, और इधर आपको जो भी साइज है, इधर साइज आप 9 देख सकते हो, एंड इधर से आपको फेदर जो रखना है वो आपको 80% रखना है, ओके। एंड इधर आपको हार्डनेस जो है ना ये आपको रखना है फ्लो, ये आपको रखना है 98, ठीक है। इतना रखने के बाद ही आपको ब्रश कर लेना है, एकदम फेस ऐसे जूम कर लेना है, जूम करने के बाद ऐसे आपको ब्रश कर लेना है, एकदम ऐसे बढ़िया से ब्रश कर लेना है। चलो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, ओके ओके। ब्रश कंप्लीट होने के बाद ही आपको इफेक्ट पर जाना है, ओके। इफेक्ट पर जाकर जो टेक्सचर है पूरा आपको माइनस कर देना है, ठीक है। माइनस करने के बाद अभी आपको बस आपको डन कर देना है। डन करने के बाद जो फेस है ना वो पहले से स्मूथ हो चुका है। अभी क्या है कि फेस स्मूथ भी होगा और क्लैरिटी भी रहेगा, ओके, और फेस में जो रियलिस्टिक फील वो भी रहेगा, कार्टून जैसा नहीं होगा। बस ये काम आपको करना है, और आप चाहो तो गर्दन के साइड भी ब्रश करके ऐसे आप थोड़ा बहुत स्मूथ कर सकते हो। मैं गर्दन के साइड भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, बस ऐसे आपको ब्रश कर देना है। ऐसे ब्रश करने के बाद सेम आपको इफेक्ट पर जाकर टेक्सचर को बस थोड़ा माइनस कर देना है, जैसे कि 50। इतना करने के बाद आपको डन कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद जो हमारा फोटो का काम है ना वो बहुत हो चुका है। अभी देखो और चीज है जो मैं अभी करूंगा, अब नीचे के साइड देख सकते हो तो बहुत ही गंदा हो चुका है, एकदम बहुत ही गंदा लग रहा है। तो ये सब मैं एक एक करके रिमूव करूंगा, हीलिंग पर जाऊंगा एंड साइज थोड़ा बढ़ा दूंगा। साइज बढ़ाने के बाद ये सब मैं एक एक करके ऐसे ब्रश करूंगा, ओके। अब कहा गया ये सब मैं एक एक करके ऐसे रिमूव कर दूंगा, ओके डन। अभी जितने भी कचरा था वो सब क्लियर हो चुका है, ठीक है। अभी हमारे फोटो की जो एडिटिंग है वो हम शुरू कर दे। अभी कुछ ही बस पार्ट है, बस आपको मास्किंग पर जाना है, फिर से मास्किंग पर जाकर बस आपको क्या करना है, प्लस पर क्लिक करना है, ओके। प्लस पर क्लिक करके इधर आपको रेडियल ग्रेड लाइन दिख रहा है, ये रेडियल ग्रेड लाइन लेना है एंड फेस में आपको ऐसे रख देना है,
ओके, फेस में कुछ ऐसे रखने के बाद ऐसे आपको सेट करना है। सेट करने के बाद बस आपको लाइट पर जाना है। अभी हम बस फेस में लाइट को इंक्रीज करेंगे। देखो भाई, अगर पहले से आप थोड़ा बहुत सुंदर हो तो फेस में बस अगर आप ब्राइटनेस सेट करोगे, ठीक है, ऐसे ही सुंदर लगेगा, आपको सुंदर करने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैं क्या करूंगा, बस व्हाइट को इंक्रीज करूंगा, ऐसे व्हाइट को इंक्रीज करूंगा एंड शेडो को थोड़ा प्लस करूंगा। इतना करने के बाद डन कर दिया, देखो डबल करूंगा। ओके, डबल करने के बाद इस साइड में रखूंगा कुछ ऐसे, इस साइड कुछ ऐसे रखूंगा एंड फिर से मैं डबल करूंगा। टैप करके रखना है, डबल करने के लिए बस आपको टैप करके रखना है। ओके, टैप करके रखना है एंड डबल कर देना है कुछ ऐसे। ओके, ऐसे आपको टैप करके, ऐसे आपको डबल करके सेट कर देना है एंड हैंड पर भी रखूंगा एक सिलेक्टिव, बस मैं हैंड पे रख दूंगा। ऐसे टैप करके फिर से मैं डबल करूंगा और हैंड पे कुछ ऐसे फिक्स कर दूंगा। ओके, इतना ठीक है ना। और आप चाहो तो इसको पूरा ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे करके भी पूरा कर सकते हो। अभी और एक काम है, देखो लिप जो है ना वो बहुत ही काला लग रहा है, देखो बहुत ही काला लग रहा है। इसके लिए मैं फिर से सिलेक्टिव पर क्लिक करूंगा एंड प्लस पर क्लिक करके जो ब्रश है ये लेना है। ओके, ब्रश लेने के बाद बस लिप पे आपको ऐसे ब्रश कर देना है। ऐसे ब्रश करने के बाद आपको कलर पे जाना है। ओके, कलर पर जाकर बस आपको सेचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज कर देना है। सेचुरेशन को जब आप थोड़ा इंक्रीज कर दोगे तो आपके लिप में थोड़ा रेडनेस सा आ जाएगा। देखो इतना काम करने के बाद ही अभी जो क्या है ना, अभी आपको फेस टोन पे जाना है। ओके, कलर पे जाना है। देखो पहले जितना हो सके उतना लाइट एडजस्ट करके एंड बाकी सेड़खानी करके जितना हो सके फेस में ग्लो ऐड करना है एंड फेस में ब्राइटनेस ऐड करना है, फेस को सुंदर करना है एंड बाकी जो थोड़ा बहुत काम है ना वो आपको कलर पर जाकर करना है। वो कलर पर जाकर आप थोड़ा बहुत हद लगाओगे तो फोटो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जाऊँगा कलर पर। ओके ओके, एडिट पर जाकर मैं जाऊँगा कलर पर एंड जाऊँगा मिक्स कलर। और आपको तो पता ही होगा जो फेस टोन के लिए, जो स्किन के लिए जो टोन है ना वो है ऑरेंज। ओके, पहले आपको ऑरेंज पर जाना है एंड बाकी टूल पे हाथ नहीं लगाना, पहले आपको ऑरेंज पे जाना है। ऑरेंज पे जाकर बस सेचुरेशन को थोड़ा माइनस करूंगा। ओके, माइनस करके लेमनस को थोड़ा प्लस करूंगा। देखो लेमनस को थोड़ा प्लस करने के बाद ही फेस में और ज़्यादा ग्लो हो रहा है एंड ह्यू को मैं थोड़ा माइनस प्लस करके देखता हूँ, थोड़ा प्लस कर देता हूँ, जिससे क्या होगा फेस की जो रियल टोन है ना थोड़ा येलो येलो सा टोन है वो आ जाएगा। अभी जाऊँगा रेड कलर। रेड कलर बेसिकली बस रेड कलर पे ही काम करता है। देखो रेड कलर हमारे स्किन पे भी होता है, खून में रेड है तो स्किन पे भी रेड कलर काम करता है। ओके, तो हम सेचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज करेंगे जिससे क्या होगा जो लिप कलर है ना वो थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा एंड ह्यू को अगर हम चेंज करेंगे तो जो रेडनेस है फेस में वो चेंज होगा। ओके, ह्यू को थोड़ा चेंज करते हैं। देखो क्यों माइनस करने पर ठीक लग रहा है या प्लस करने पर, माइनस करने पर ठीक लग रहा है। ओके, एंड ल्यूमिनस को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं जिससे लिप में थोड़ा ब्राइटनेस ऐड होगा और भी जगह होगा। ओके, इतना करने के बाद हमारे फोटो में काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है, इतना कर लिया। ओके, अभी हम लाइट पर जाकर क्या करेंगे, थोड़ा ब्लैक को ऐड करेंगे। ब्लैक ऐड करने पर जो हमारा ब्लैक ड्रेस है ना इसमें थोड़ा व्हाइट व्हाइट सा आ रहा है, ये सब गायब हो जाएगा और ज़्यादा ब्लैक लगेगा। देखो इतना हो गया और आप देख सकते हो फेस में जो सेटुरेट है ना वो थोड़ा ज़्यादा है। ये अगर कम करना चाहता हूँ ना तो कम कर सकता हूँ, बस कलर पर जाकर वाइब्रेंस को थोड़ा प्लस करता हूँ एंड सेटुरेशन को थोड़ा माइनस करता हूँ। देखो वाइब्रेंस को प्लस किया, सेटुरेशन को थोड़ा माइनस किया, अभी जो हमारा फेस है ना वो एकदम रियल टोन आ गया, एकदम भाई हीरा। ओके, इतना करने के बाद ही अभी हम मिक्स कलर पर फिर से जाएंगे। मिक्स कलर पर फिर से जाकर जितने भी कलर है ना ये सब मैं माइनस कर दूंगा। ओके, जैसे कि येलो, येलो को मैं पूरा माइनस करूंगा, पूरा माइनस कर दिया। ग्रीन, ग्रीन को मैं पूरा माइनस करूंगा एंड ब्लू, ब्लू कलर को थोड़ा कर देता हूँ, चलो पूरा कर देता हूँ। ये बैकग्राउंड जो है ना ये कुछ अलग ही फील आएगा भाई इस बैकग्राउंड में। ओके, तो इतना करने के बाद ही ब्लू कलर को थोड़ा प्लस कर देता हूँ और इतना। ओके, इतना करने के बाद बस ये डन कर देता हूँ। डन करने के बाद हमारे फोटो देखो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है और फोटो में ज़्यादा व्हाइट सा लग रहा है, व्हाइटनेस आ गया है, लेकिन ये कलर ग्रेडिंग करने के बाद एकदम ठीक हो जाएगा। अभी देखो थोड़ा बहुत बस काम है इधर, ये कंप्लीट कर लेता हूँ। मास्किंग पर जाकर प्लस पर क्लिक करके लाइनर ग्रेड लाइन दिख रहा है ये आपको नीचे के साइड से कुछ ऐसे रखना है। ओके, इतना रखने के बाद एक्सपोजर को थोड़ा माइनस कर दूंगा एंड नीचे के साइड से जो क्या था, नीचे के साइड से जो शेडो है ना वो ऐड हो चुका है। ओके, इतना कर दिया। इतना करने के बाद मैं हमेशा फोटोज में कुछ एक्स्ट्रा में फ्रेमिंग पे ध्यान देता हूँ, जैसे कि क्रॉप पर जाकर मैं पेंसिल पर जाता हूँ। पेंसिल पर जाकर इधर मैं थोड़ा ऐसे प्लस कर दूंगा, प्लस 9 एंड वर्टिकल जो है ना ये मैं थोड़ा क्या करूँगा, प्लस 6 कर दूंगा। इससे हमारा फोटो की जो लेंथ है ना वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा और फ्रेमिंग की जो लुक है ना वो थोड़ा इन्हेंस होगा, कुछ अलग ही फील आता है ऐसा करने के बाद, आप एक बार ट्राई जरूर करना। ओके, इतना करने के बाद जो आप साइड में देख रहे हो ना ये जो साइड में व्हाइट पार्ट आ चुका है, साइड में जो व्हाइट पार्ट आ चुका है इसके टेंशन मत करो, ये भी गायब हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं दिखाता हूँ बाद में, ठीक है। तो इतना करने के बाद हमारे फोटो को अभी डन करना है। डन करने से पहले हमें करना है थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग, तो कलर ग्रेडिंग करेंगे और जो हेयर है ना इसमें थोड़ा क्लैरिटी ऐड करेंगे। उसके लिए आपको फिर से मास्किंग पर क्लिक करके
प्लस पर क्लिक करना है एंड ब्रश पर जाना है एंड हेयर पे ऐसे ब्रश कर देना है। ओके, तब आप हेयर पे ऐसे ब्रश करोगे, करने के बाद आपको इफेक्ट पर जाकर क्लैरिटी को इंक्रीज कर देना है। क्लैरिटी इंक्रीज करने के बाद हेयर पे कुछ अलग ही लुक आ चुका है। ओके, इतना करने के बाद ही आपको डन कर देना है। ओके, अभी हम करेंगे कलर ग्रेडिंग। अभी आप ध्यान से देखना, कलर ग्रेडिंग करने के लिए बस आपको एडिट पर जाना है एंड कलर पर जाना है एंड कलर ग्रेडिंग पर जाना है। ओके, कलर ग्रेडिंग पर आने के बाद पहले आपको हाथ लगाना है एकदम हाईलाइट पे। ओके, इधर आपको हाईलाइट दिख रहा है, एकदम हाईलाइट पे हाथ लगाना है। अब हमेशा ध्यान रखना, ये जो पार्ट है ये वाला है हाईलाइट, इधर आप हाईलाइट देख सकते हो, ये आपको हाथ लगाना है। हाथ लगाने के बाद इधर आपको थोड़ा एरो दिख रहा है, देख सकते हो, इधर आपको थोड़ा एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इधर क्लिक करने के बाद ही आपके पास दो पार्ट आ जाएगा, एक आ जाएगा सैचुरेशन, एक आएगा ह्यू। ओके, पहले आपको हाथ लगाना है सैचुरेशन पर। सैचुरेशन पर आपको क्या करना है, जैसे कि 20 या 19 ऐसा रखना है। रखने के बाद जो ह्यू पार्ट है ये आपको सेंस करके क्या कलर रखना है वो आप डिसाइड करो। इसके लिए ह्यू को मैं रखूँगा कुछ ऐसा, ग्रीन की तरफ या ब्लू की तरफ। अगर मैं ब्लू की तरफ लेता हूँ तो क्या होगा कि व्हाइट एंड ब्लैक की एक कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अगर मैं ग्रीन की तरफ रखता हूँ तो एक अलग ही सिनेमेटिक टोन आएगा। तो आप क्या चाहते हो मैं क्या रखूँ, चलो कुछ भी रख लेता हूँ। चलो देखो, इधर मैं रखता हूँ कुछ सिनेमेटिक टोन आएगा एंड इधर मैं रखता हूँ तो ब्लैक एंड व्हाइट की एक कॉम्बिनेशन आएगा जो बहुत ही गजब लगेगा। एंड अभी हम देखते हैं कि शेडो पे क्या रख सकते हैं। तो फर्स्ट जो टैप है ना ये है शेडो, तो इधर आप देख सकते हो शेडो। तो सेम प्रोसेस है, शेडो को बस इंक्रीज करना है। करने के बाद जो ह्यू है ना ये आपको चेंज करके किधर रखना है वो आप डिसाइड करो। ये भी हमें ब्लू पे रखना है, जो आप ब्लैक एंड व्हाइट की जो कॉम्बिनेशन है ना वो फ्लेवर अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो ये भी आपको ब्लू पे रखना है। शेडो भी ब्लू पे एंड हाईलाइट भी ब्लू पे, ये दो कलर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दो कलर अगर आप ध्यान रखोगे तो कुछ ऐसा होगा। ओके, इतना करने के बाद ही अगर मैं इसमें थोड़ा बहुत ब्लर ऐड करता हूँ ना तो और भी फोटो निखार के बाहर आएगा, एकदम प्रोफेशनल लेवल। देखो, मैं गांव के लंडा हूँ तो मुंबई जैसा लगेगा फोटो, बस ये काम करने पर। मैं अगर और थोड़ा बहुत ब्लर ऐड करता हूँ तो ब्लर ऐड करने के लिए एडिट पर क्लिक करके बस आपको ब्लर पे ऐड करना है एंड इधर बस अमाउंट को थोड़ा इंक्रीज करना है। इधर बस थोड़ा प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होने के बाद हम ब्लर को ऐड कर सकते हैं जिससे हमारा फोटो और भी निखार के बाहर आ जाएगा। भाई क्या लगेगा क्या बताऊँ। ओके, प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है जो आप देख सकते हो। अभी जो अमाउंट है बस मैं इंक्रीज कर दूंगा, जैसे कि मैं रखूंगा 54। ओके, 54 रखने के बाद अभी फोटो में देखो आप क्या शाइन लुक आ रहा है भाई। बिफोर में दिखाओ ना तो आप बोलोगे क्या मैं ही हुआ है। देखो आप, बिफोर में आपको दिखाता हूँ। ओके, अब बिफोर देखो, कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है भाई। अभी आप आफ्टर देखो। कुछ लोग क्या कहता है कि भाई आपने बिफोर जो दिखाया ना वो पहले आप एडिटिंग करके गंदा बनाया, उसको बाद आपने दिखाया। भाई मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं लाइव एडिटिंग करता हूँ, ठीक है। अब बिफोर देखो एंड आफ्टर देखो, ठीक है, इतना ही प्रोसेस है। इतना करने के बाद थोड़ा बहुत बस आपको काम करना है, वो करने के बाद फोटो कंप्लीट हो जाएगा। वो काम अगर नहीं करोगे ना तो आपका फोटो कभी भी प्रोफेशनल नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप जाओ डिटेल पे, डिटेल पर जाकर अमाउंट को थोड़ा इंक्रीज करो, जैसे कि 60 एंड इधर मास्किंग को करो 70, या पकड़ के ऐसे भी कर सकते हो, देख कर करना। और नॉइस को मैं रखूँगा 20। इतना रखने के बाद फोटो को पहले आपको सेव करना है। सेव करने के बाद मैं बस थोड़ा प्रोसेस करूँगा, जो प्रोसेस आपको करना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रोफेशनल लेवल एडिटिंग करना चाहते हो। अगर नहीं करना तो अभी वीडियो को स्किप करके अभी छोड़ सकते हो। तो इतना प्रोसेस करने के बाद ही आपको क्या करना है, एडोबी फोटोशॉप फिक्स ऐप आपको डाउनलोड करना है, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ओके, एडोबी फोटोशॉप फिक्स, इस पर जाकर आपको थोड़ा बहुत बस आपको काम करना है। तो पहले क्या करना है, इधर आपको एक फोटो ऐड कर लेना है। ओके, ऐड करने के बाद ही आपको लिक्विफाई पर क्लिक करना है। इधर आपको लिक्विफाई दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ही इधर आपको नोज पर टैप करना है। करने के बाद इधर जो अमाउंट है तो आपको माइनस की तरफ थोड़ा रखना है, थोड़ा स्लिम होगा तो बढ़िया लगेगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, वार्प पे क्लिक करना है। इधर क्लिक करके जो आपका हेयर है ना वो बढ़िया से सेट कर लेना है अपने हिसाब से, आपको जैसा पसंद है वैसे सेट कर लेना है। मैं क्या करता हूँ असल में, मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। ओके, मैं कुछ ऐसे करके ऐसे सेट कर लेता हूँ, जूम करके कुछ ऐसे करता हूँ, ऐसा करके ऐसे सेट कर लेता हूँ। ओके, ऐसा करने के बाद मैं थोड़ा ऐसे करके ऐसे में सेट कर लेता हूँ। देखो आप, कुछ ऐसे में सेट करता हूँ, ऐसे में सेट कर देता हूँ। ऐसा सेट करने के बाद ही अभी मैं बिफोर आफ्टर में आपको दिखाता हूँ। ओके, अभी आप बिफोर एंड आफ्टर देखो। ऐसे मैंने सेट किया, सेट करने के बाद बिफोर ऐसा था, अभी आफ्टर कुछ ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा। इतना करने के बाद आपका फोटो एकदम प्रोफेशनल लगता है। एंड फ्रेमिंग, जो मैंने फ्रेमिंग पर आपको दिखाया, थोड़ा फ्रेमिंग व्हाइट सा रह गया ना, वो अगर व्हाइट आप इधर से एकदम ठीक करके एकदम एक्सपोर्ट करके डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हो। ओके, इसके लिए आपको क्या करना है, इधर आपको हीलिंग दिख रहा है, हीलिंग पर टैप करना है। हीलिंग पर टैप करने के बाद ही ओके, ऐसे आपको जूम करना है, फोटो जितना हो सके उतना जूम करना है। करने के बाद आपको ऐसे ब्रश कर देना है। ओके, ऐसे ब्रश करना है, जो व्हाइट पार्ट है वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। आपको दिखाता हूँ जादू, भाई रिमूव हो गया ना,
तो ऐसे आपको ब्रश करना है तो पूरा ऐसे रिमूव हो जाएगा। बस आपको जूम करके ब्रश करना है जिससे पता नहीं चलेगा। अगर आप ऐसे करके ब्रश करोगे ना, बहुत जगह एक साथ ब्रश करोगे तो पता चल जाएगा। ओके, कुछ ऐसे आपको ब्रश करना है। देखो भाई, अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे पता है कि आप पक्का कुछ ऐसा फोटो एडिटिंग कर लोगे, क्योंकि भाई अगर कोई बंदा मेरा वीडियो फुल देख रहा है तो ऐसा एडिटिंग कर नहीं पाएगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और भाई अगर आप इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हो तो मुझे टैग जरूर करना। और आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट कर देना। और आप इस चैनल में अगर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलो मिलते हैं ऐसी और एक वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।